की बात है, एक व्यापारी अपनी तीन बेटियों के साथ रहता था। व्यापारी को अपनी तीनों बेटियों से प्यार था। एक दिन उसके किसी काम से दूसरे देश जाना था। जाने से पहले व्यापारी ने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछा, मेरी प्यारी बेटियों, कहो मैं परदेश से तुम तीनों के लिए क्या लाऊं? पहली बेटी ने सुंदर कपड़े और दूसरी बेटी ने गहने मंगवाए। तीसरी बेटी, जिसका नाम चारू था, उसने अपने पिता से कहा कि वह उसके लिए एक गुलाब का फूल ले आए। व्यापारी ने अपनी तीनों बेटियों से उसके उपहार लाने का वादा किया और अपने सफर पर निकल गया। अपना काम खत्म करके व्यापारी जब अपने घर की ओर चला तो वह तूफान में फंस गया और रास्ते से भटक गया। बहुत कोशिश के बाद भी वह अपने घर का रास्ता ना ढूंढ सका। तब तक अंधेरा भी हो चुका था। तभी अचानक उसकी नज़र एक रोशनी पर पड़ी जो दूर एक महल से आ रही थी। व्यापारी ने सोचा शायद महल में उसे रात बिताने की जगह मिल जाए, इसलिए उस तरफ चल पड़ा। जब व्यापारी महल में पहुंचा तो महल में कोई भी नहीं था। उसे हर तरफ देखा लेकिन उसे महल में कोई नहीं मिला। आश्चर्य की बात थी कि खाने की मेज पर कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे, परंतु उसे खाने वाला कोई नहीं था। भोजन को देखकर व्यापारी की भूख और बढ़ गई, इसलिए उसने भरपेट खाना खाया और एक कमरे में मुलायम गद्दे पर सो गया। सुबह व्यापारी ने जब महल के बगीचे में सुंदर गुलाब खिले देखे तो उसे बेटी से किया हुआ वादा याद आया। उसने एक फूल तोड़ा और घर की ओर जाने लगा। तभी वहाँ एक भयानक जीव प्रकट हुआ और बोला, मैंने तुम्हें अपना भोजन दिया, अपना मुलायम गद्दे पर सोने दिया और तुम मेरे ही बगीचे से गुलाब तोड़ रहे हो, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। व्यापारी बहुत डर गया था, कांपते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो, यह गुलाब मैंने अपने लिए नहीं तोड़ा, अपनी बेटी के लिए तोड़ा था। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं उसके लिए गुलाब का फूल लाऊंगा। यह सुनते ही राक्षस ने व्यापारी से कहा वह एक शर्त पर उसे छोड़ेगा, उसे अपनी बेटी को महल में भेजना होगा। डरा और घबराया हुआ व्यापारी अपनी बेटी को भेजने का वादा करा वहां से चल गया। घर पहुंचकर व्यापारी ने अपनी बेटियों को सारी बात बताई और चारू से माफ़ी मांगते हुए कहा, अपनी जान बचाने के लिए मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आया और मैं राक्षस से यह वादा कराया, मुझे माफ़ कर दो बेटी, अपने स्वार्थी पिता को माफ़ कर दो। चारू ने अपने पिता के गले लगते हुए तसल्ली दी, आप बिल्कुल परेशान ना हो पिताजी, मैं आपकी किया हुआ वादा जरूर निभाऊंगी। जब चारू महल में पहुंची तो बहुत घबराई हुई थी। राक्षस का भयानक चेहरा देखकर वह बहुत डर गई, लेकिन राक्षस ने उसका खुले दिल से स्वागत किया। राक्षस ने उसे रहने के लिए अपने महल का सबसे अच्छा कमरा दिया और जब चारू आग के सामने बैठकर कढ़ाई करती तब राक्षस उसके पास घंटों तक बैठा रहता और उसे निहारता रहता। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लगने लगा और वे अच्छे दोस्त बन गए। अब वह दोनों सारा दिन एक दूसरे के से बातें करते थे और खुश रहते थे। राक्षस को चारू बहुत अच्छी लगती थी और वह उसके शादी करना चाहता था, लेकिन डरता था कि चारू एक राक्षस से कभी शादी नहीं करेगी। बड़ी हिम्मत जुटाकर एक दिन उसने चारू से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। जब वह चारू के पास पहुंचा तो देखा कि वह अपने पिता को याद करके बहुत उदास है। उसकी उदासी देखी नहीं गई और उसने चारू को एक जादुई शीशा दिया जिसमें वह अपने पिता को देख सके। चारू बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसने अपने पिता को देखा तो वह बहुत बीमार थे। यह देखकर चारू ने राक्षस से अपने पिता से मिलने की इच्छा जताई। राक्षस ने उसे पिता से मिलने की इजाज़त दे दी और 7 दिन में वापसी आने को कहा। चारू तय समय में आने का वादा किया और अपने घर चली गई। चारू और सामने देखकर व्यापारी खुश हो गया और जैसे जैसे उसे पता चला कि राक्षस देखने में भले ही क्रूर हो लेकिन वह दिल का बहुत ही नेक और दयालु है। व्यापारी की सेहत और सुधरती गई। परिवार से मिलने की खुशी में 7 दिन कब निकल गए चारू को पता ही नहीं चला। एक दिन चारू ने सपना देखा कि राक्षस की हालत बहुत ख़राब है और जल्दी ही मरने वाला है। अगले ही दिन वह महल वापस आ गई और उसने पाया कि राक्षस बगीचे में बेसुध पड़ा हुआ था, उससे वह मर चुका था। चारू उसे देखते ही रो पड़ी, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। जैसे ही चारू ने यह शब्द कहे एक रोशनी ने राक्षस को ढक लिया और जब रोशनी गायब हुई तो भयानक और
क्रूर दिखने वाला राक्षस एक खूबसूरत राजकुमार में बदल चुका था। राजकुमार ने बताया कि एक दुष्ट जादूगरनी ने उसे एक राक्षस बना दिया था और सच्चे प्यार से ही उस जादू को तोड़ा जा सकता था, परंतु समय से राजकुमार उस लड़की को ढूंढ रहा था जो उससे उस रूप में प्यार करे जिससे सब डरते थे, जो उसकी सूरत से नहीं बल्कि उसे के गुणों से चाहे। आखिरकार राजकुमार को उसका सच्चा प्यार मिल गया और वह बहुत खुश था। जल्दी ही चारू और राजकुमार की शादी हो गई और वह अपनी गुलाबों से खूबसूरत दुनिया में हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में साथ और घंटी को दबाकर ऑन पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक की इजाज़त। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।